वेलकम बैक चिल्ड्रन आ थे मो चैनल को पाने स्वागत। आज आम क्लास टेन जो जीव विज्ञान द्वितीय अंशनी श्वसन पढ़वा आओ या पूर्व पिला माने यहाँ स्टार्ट करे तुमको अनुरोध रही बही पाख रखि दि खाता कलम भी धरी बस लाइन बाय लाइन पढ़वा आ बुझा को चेष्टा कर। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रो आम जानिपारुचु जेठारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रो काम रही व्यापक भाव आउ विस्तृत भाव में बुझा को हेले पढ़ाक हम ए तुमको कही मु लाइन बाय लाइन बुझेबी एनिमेशन भी दौर छुआ मैंने एनिमेशन भी बोला देख है ना मु नोट दौर इे वीडियो ही अच्छी से तुम बोला ताको देख आ बुझा को चेष्टा कर। नियमित भाव में मो क्लास जदि अटेंड करब छुआ मैंने निश्चित भाव में तुम अनेक डाउट क्लीयर हे आ भल नंबर रख। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतजिली रे होइता ताले सबु स्वतंत्र तो कोषरे होइता किंतु इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कोटी अच्छे माने ये हुए तुमर अंतजिली रे जीव कोषर जमी ग्लाइकोलाइसिस हुए मैट्रिक्स रे तुमर हुए कौन अच्छे माने साइटोक्रोम चक्र आ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था हम अंत झिल्ली एवं यह पचार मैंने सर अंत झिल्ली क्या क्या कह जाए यह भी मुझे तुमको देखे छुने ना कह सार देखले ना माइटोकॉन्ड्रिया देख छुने ये तुम माइटोकॉन्ड्रिया कहला छुने ये देख माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटो कोंड्रिया रो तुमरो चित्र एबे झिल्ली कौन झिल्ली माने ऊपर आवरणटा ये देखो ये हला बही झिल्ली ये हला अंत अंत झिल्ली रहबे छ माने ताले ऊपर चमटा रे नाय ये भीतर ए जगहटा देख ए छोट रास्ता रखिबो त एटा ए जगहटा रे या होथि बुझबा छ माने एटा हला तुमरो अंत झिल्ली एटा भीतर झिल्ली रे जटा हला ए जगहटा माने दुटा पर दिओ छ ना एटा गुटा बाहर पर दिओ छ ये देखु छ हो के नै आ भितर परिधिटा है अंत झिल्ली यहाँ भितर परिधिटा है ना एनिवे या को तुम अंत झिल्ली तुम देख पार्थ ये जगहटा है ना ये जगहटा ये भितर वृत्तटा को तुम मैंने कही पार अंत झिल्ली ताले प्रथम कथा यह जे साइटोक्रोम चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कौटी गच मैंने अंत झिल्ली रे संगठित ये राइट एबे आमे याको पुणी लाइन बाय लाइन बुझा को चेष्टा करिबा। आशा कर छ माने प्रथम वाक्य बोल हाबरे बुझिबारे समर्थ होइ छ। द्वितीय वाक्य कोन ला छ माने ए संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन ओ इलेक्ट्रॉन ग्राहक अणु द्वारा गढ़ा ताले ए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था विभिन्न इलेक्ट्रॉन आ प्रोटॉन ग्राहक अणु द्वारा माने बाहक अणु द्वारा गठित कहीं इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रु आम जानिपारुचु जे इलेक्ट्रॉन विषय ही ये आलोचना करा जाए राइट छ माने। द्वितीय कौन लिखाई ग्लाइकोलाइसिस ओ साइट्रिक अम्ल चक्र रु उत्पन्न होता सहजारक एन ए डी पी एच टू आ एफ ए डी एच टू अणुर संस्था द्वारा यह प्रक्रियाकरण होता है एवं मचित शक्ति एटीपी उत्पन्न माने ये तीन नंबर पॉइंट मैंने ये तीन नंबर पॉइंट फास्ट है इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंत झिल्ली हुए फास्ट पॉइंट। द्वितीय पॉइंट है यह विभिन्न कौन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहक अणु द्वारा गठित
आ तृतीय हला ये सहजारक जो तुम साइट्रिक अम्ल चक्र जो सहजारक एन ए डी पी एच आफ ए डी एच टू एगा जो निर्णय होगा यह यूज करते आठ शक्ति ए टी पी तुम शक्ति मर्जन करते एवं तुम्हें यह पचार कि छुने जे सार ए एन ए डी पी एच टू आफ ए डी एच टू केते साइट्रिक अम्ल उत्पन्न होगा यही वीडियो रे ही मु तुमको कही छुने हेले भी आउ थे देख मु कौ जगार यहाँ कही तेल ज्ञान तुम देख छ मैंने ये एन आई डी पी एच आसला एफ ए डी के रिलीज है ना ये है तुम कौन साइट्रिक अम्ल चक्र नुह कि ये उत्पन्न होगुड़ा एगुड़ाक से यूज करुचे से कौटी इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था है छ मैंने बुझिपाइल मोर भल पाने पूरा मन दे पड़ आदि प्रश्न अच्छी मन में क्वेश्चन करदेगा छ मैंने क्वेश्चन कर मु निश्चित भाव में तार आंसर करी आल भल क्वेश्चन करेंगे छाला तेल तीन टी पॉइंट आम देखले आ कि पॉइंट एटार लाइन देखा विजारित तो सहजारक मदरू इलेक्ट्रॉन बाहरी कौन बचने इलेक्ट्रॉन बाहक अणु श्रृंखला माध्यम गति करे बाहर थिबा प्रोटॉन पीएच बाहर पीएच प्रोटॉन बाहक माध्यम प्रोटॉन बाहक माध्यम दुई झिली मध्यवर्ती स्थान को स्थानित हुए एवं कौन कहला यह वाक्य भल कर बुझ विजयतु सहजारक ये सहजारक मैंने ये सहजारक मैंने यही सहजारक गुड़ी कौन हुए इलेक्ट्रॉन बाहरी एम मधर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे तुम्हें मैंने कह सर ये इलेक्ट्रॉन किए से जे कि बाहरी आसीगला रियल छ मैंने एटारे जो एज ये निर्गत होता है हाइड्रोजन प्लस आयन एटारे निर्गत हुए कौटू निर्गत अच्छे मैंने जो साइट्रिक अम्ल व्यवहृत होता एन ए डी एच आफ ए डी एच टू एम जो सहजारक मान एम द्वारा तुम हाइड्रोजेन प्लस आयन निर्गत हुए आए कौन बच मैंने ये प्रोटन बाहक मध्यम आए जे हाइड्रोजेन प्लस आयन प्रोटन प्रोटन बाहक मध्यम ये अंत झिली मानने कौन झिली मध्यवर्त आस अंत बह झिली मध्य को चली आस बुझला मैंने बाहक मध्यम गति कै भारत प्रोटन प्रोटन बाहक मध्यम दुई झिली मध्यवर्त स्थान को स्थानांत होता है एवं मनरे प्रश्न आसुव सर ये दुई झिली मध्यवर्ती जगह किए से यह भी तुमको छुआ मैंने बुझे दूसरी आगे मुझ तुमको अंत झिली देखे जाए दुई झिली मध्यवर्ती स्थान भी मु तुमको देखेदेवि पूरा नियमित भल भाव में मोबाइल देख छ मैंने ये छ मैंने देखु ये देख बह झिली ये उपर आवरण ये आवरणटा है उपर चमड़ाटा है उपर पर दी कही पार है ना एवं भितर देख ये भितर ये भितर ये पर दीटा गोटे ये जगहटा ये एगारटा जेटा मुझे करें एम मध्यवर्ती मैंने कौन ये मझी को चली आसे है अंत झिली आ बह झिली मझी जगहटा होगा ना यहाँ कौन अच्छे मैंने हाइड्रोजेन प्लस आयन मैने हाइड्रोजन प्रोटन प्रोटन स्टारे आसी जाए कौन बाहक प्रोटन प्रोटन अणु द्वारा सीट से पहुँची जाए ना आउ हाइड्रोजन से प्लस प्रोटनटा कौटू आसला कहीं कौटू आसला से सहजारक एन ए डी एच एफ ए डी एच टू एन ए डी एच टू आफ ए डी एच टू ताकू सहजारक से उत्पन्न होता है से प्रोटनटा आ से प्रोटनटा कौन हम बाहक अणु मध्यम से जाकि कौटे पहुँचे छो मैने से जाकि पहुँची जीव दुई झिली मध्यवर्ती स्थान को बुझिपार छ मैंने लाइन बाय लाइन बुझ बही दरी बस जाओ आ से बही लाइन लिखाई से लाइन गुड़ाक गोटे गोटे लाइन मुझे बुझाऊँ पिला मैंने कौन हो प्रोब्लम हे तो समय मुझे अधिका नौ कितु तुम्हें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एकार आसो तुमको सहजरे बुझीहब स्पेशली से पिला मैंने जो मैंने कौन सी कोचिंग रो सुविधा ना बाखे आर्थिक स्वच्छता पाखे ना जे से कोचिंग
नहीं पारे से भाया पिलाई यह उपयोगी हे तेणु जो पाने भी आर्थिक सच्चल अच न भी थी पार से भी तुम सांग वीडियो शेयर कर दि कहीं उपकृत होते यह भाविकी भावन जे सारम सेयार कले सारंकर सब्सक्राइब गुड़े सेमती किसी ना छुआ मैंने तुम जे ताको भल लगे से सब्सक्राइब कर ना तुम वीडियो रे सब्सक्राइब करने को कहे ना छुआ मैंने लाइक करने को भी मुझे कहे जहाँ को भल लगला निज सतपूर्त भाव सहद सहकार से लाइक कर सब्सक्राइब भी कर तेणु तुम मानकर नैतिक कर्तव्य है से पा पहुँचे दिव जो मैंने जान पार ना कोचिंग नहीं पार ना हेगला छुआ मैंने नेक्स्ट पाख चल जाने विजायत सहजारक कौन उत्पन्न है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन उत्पन्न है आ ये कौन हम बाहक अणु माध्यम ये दुई झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को आसी जाए हेला छुआ मैंने प्रोटॉन बाहक माध्यम दुई झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित हो जाए श्रृंखल शेष बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स थ्रे थिबा द्रवित अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे एबे कौन हैला ये तुम प्रोटॉन अणु प्रोटॉन है ना ये जो प्रोटॉन आसी जहाँकि सहजरक उत्पन्न होए कौन आस श्रृंखल शेष एक बाहक अणु बाहक एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स द्रवित अम्लजान को मिसाई दिए ताले ये हाइड्रोजन तुम ऑलरेडी आसी जाइछि हैला आ तुम जो श्रृंखल शेष बाहक अणु कौन कौन मैट्रिक्स जाके मैट्रिक्स मैंने माइटोकॉन्ड्रिया रसटा को मैट्रिक्स कह जाए जैक मैट्रिक्स ये हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन को मिसे कौन उत्पन्न हो मैंने तुम्हें जान ये जल उत्पन्न कर जल उत्पन्न लिखाई ना श्रृंखल शेष बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स द्रवित अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे तले हाइड्रोजन प्लस आयन आसला गोटे प्रोटॉन थिला आ ऑक्सीजन जो कि तुम मैट्रिक्स द्रवीभूत हो रही थाए ता सहित हाइड्रोजन आउ एक मिसेकी कौन उत्पन्न कर जल उत्पन्न कर बुझी पार छुआ मैंने एवं कार्य मन यह प्रश्न अच्छे कि सर मैट्रिक्स ऑक्सीजन कौटू आसला पाने तुमको पूर्व कथार भी कही ऑक्सीजन जहाँकि आम प्रश्वास नौ ये सीधा आसब हार्ट ताको एड कर ब्लड सहित मिसेकी पठेदेव समस्त कस को आ कस को जो जीवकश को बस जीवकश में मैट्रिक्स अच्छी है ना मैंने माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया तुम कौन अच्छी मैट्रिक्स तार सेटा को मैट्रिक्स कहू से मैट्रिक्स जाकि द्रवीभूत हो रही है एवं तुम मैंने कह सर मैट्रिक्स कहीं द्रवित रही कहीं गोल्गी बॉडी में द्रवित रहा ना कहीं अन्न जगार रहा ना है मैंने कहीं सबू रासायनिक प्रतिक्रिया कसरे हुए आ कसर अंतजुली हेब ना मैट्रिक्स ना जीव कसरे हे तो कसरे ही पहुँचेब ना होगा ना आ से मैट्रिक्स आए द्रवित करें रिएक्शन हे एटा से प्रतिक्रिया हम एतक तो बुझीपाल से हाइड्रोजन जे आसी हाइड्रोजन प्रोटॉनटा आ ऑक्सीजन जो द्रवीभूत होता मैट्रिक्स यहाँ सहित मिसिकी जल उत्पन्न कला यह तुम बुझीपाल छो मैंने ना तो प्रोटॉन यही वाक्यटा श्रृंखल शेष बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मिसी मैट्रिक्स द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे किमिति जल सृष्टि कला यह मद मुतमकु बुझेदेली टाइट छो मैंने आशा करे मु छो मैंने तुमको बुझेबारे समर्थ होगा नेक्स्ट लाइन पढ़वा आज बुझाक चेष्टा करवा कौन कह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहक श्रृंखल इलेक्ट्रॉन गति करवा समय यही दुई झिल्ली मध्य अंतवर्ती स्थान अधिक परिमाण प्रोटॉन जमा होता है एवं कि हुए जेहेतु एम बारंबार देखी प्रोटॉन ये प्रोटॉनटा ये प्रोटॉन कौन हम बारंबार
से अंत झिल्ली मजरे ए झिल्लीर मज देकी एठार गति करबो। गति करबा द्वारा कौन हे ये गोटे जाम सृष्टि करबो बा अधिका ईर अंत झिल्ली कौन हे स्थान अधिक प्रमाण प्रोटोन जमा हे डेफिनेटली एटार तुम जब मुझे माइटोकॉन्ड्रिया बनई दिए है ना एमतिका एमतिका जब बनई दिए छुआ मैंने तेल ये जगह ये तो बारंबार जदि प्रोटोन ये गति कर गत करने द्वारा डेफिनेटली प्रोटोन अधिका जमा हो कथा एठार कहुई देखा चीन अंतवर्ती स्थान अधिक परिमाण में प्रोटोन जमा होता है तेल भितरे कौन हम बारंबार गति करवा द्वारा हाइड्रोजेन प्रोटोनटा बारंबार गति करवा द्वारा अधिक प्रोटोन जमा हो जाए तुम मैंने कह अधिक प्रोटोन जमा हो गला तो अधिक ऑक्सीजन भी अच्छी तुम से जल ही उत्पन्न कर ना अधिक प्रोटोन आसिक जमा हो आ जमा है ये कौन हम द्वारा एक प्रकार प्रोटोन गति सक्षम बल या आ जेहेतु से प्रोटोन जो ये तुम झिल्लीर मध्यवर्ती स्थान को चली आसी है बारंबार ए भाया श्रृंखल प्रोटोन गति करने द्वारा अधिक अंत मान वर्ती स्थान तुम अधिक परिमाण प्रोटोन जमा हो अधिक प्रोटोन जमा होगा द्वारा गोटे अवबल गोटे उत्पन्न होटा लिखाई प्रकार गति कर सक्षम बल गोटे उत्पन्न प्रोटोन गति सक्षम बल या हुए बल को उपयोग कर एटीपी सिंथेस नामक एक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत हुए आई जो बल को उपयोग कर एटीपी सिंथेस नामक गोटे एटीपी सिंथेस नामक एक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करे तले एटीपी सिंथेस नामक गोटे एटीपी सृष्टि करे से बल को व्यवहार करे कौन बल छ मैंने बारंबार हार्ड प्रोटोन रो गति बल रे फल अधिक प्रोटीन जमा हवा द्वारा जो गोटे बल उत्पन्न हुए ताको यूज कर एटीपी एटीपी सिंथेस नामक गोटे मान कौन एंजाइम सृष्टि करे एंजाइम नामक एक एंजाइम एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करे सॉरी तले एटीपी सिंथेस नामक गोटे एंजाइम अच्छी जे कि एटीपी प्रस्तुत करे एवं बुझी पाइल छ मैंने तले से बल को एटीपी सिंथेस नामक गोटे एंजाइम कौन करब एटीपी सृष्टि कर ये सिस्टमेटिकली तुम चली थाए मैंने मन शुण मु कौन कहूँ जदि बुझी पा न छ मैंने कमेंट बक्स में लिखिद कौ वार्ड बुझीला ना कि कौ लाइन बुझेगा ना मुश्चित भाव नेक्स्ट वीडियो रे बुझेदेवि यह द्वारा एक प्रकार प्रोटोन गति कहते बुझे छो मैंने एवं एटी देखा तेल एटीपी सिंथेस कौन करब एटीपी सिंथेस कौन करब सॉरी ये एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम कौन करब एटीपी सृष्टि करब यार परवर्त वाक्यटा आम मैंने एवं पढ़ू आशा कर मैंने मन दे मो कथा शुणुच शुणा द्वारा तुमको छ मैंने सहज हे ये तुम चित्र भी दिखाई इलेक्ट्रोन पर संस्था ये देख कमी जामती आसिकी बारंबार गति करवा द्वारा कौन आने ये बैजिल्ली है ना ये दुई जल्ली मध्य देख हाइड्रोजन गति कर देख चित्र देखे दिखाई आगुड़ा सब उत्पन्न कर चली देख एटीपी उत्पन्न कर कौन ए चित्र भी भल भाव मन रखि बन है वायु उपजीवी शोषण में जो छह कार्बन युक्त ग्लुकोज संपूर्ण भाव में विजायित हुए यार प्रति कार्बन अंगारकाम प्रणत हुए वायु उपजीवी शोषण में मुझे बुझे भल भाव से दहन हुए आर प्रतीक कार्बन पूरा शक्ति प्रणत हुए अम्लजान उपस्थित यही प्रक्रिया होते कोशिका शोषण शेष शेष सोपान अम्लजान व्यवहूत हुए ग्लुकोज ग्लुकोज अणुटी वायु उपजीवी शोषण में 38 एटीपी उत्पन्न करे किंतु वायु उपजीवी शोषण में 2 एटीपी उत्पन्न करे है ना पूर्व ही मुझे आए से देख छो मैंने किमती हाइड्रोजेन ये गति करती गति एमती करके अधिक ये एटीपी सिंथेस भी ये देख उत्पन्न कला अधिक प्रोटोन जमा हो गला एपटे प्रोटोन जमा हवा द्वारा ताकू एटीपी सिंथेस नामक गोटे एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करुच्ची यार पूरा चित्र एठार दिखाई पाने को प्राक्टिस कर रख कहीं परीक्षार ये आसी पारे ये आसे मध्य
ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ମନ ବି ଶୁଣ। ହେଲେ ସେମାନେ ଇଏ ବୁଝିପାଇଗଲ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି। ହେଲା ନା ଯଦି ମୁଁ ଏହାର ହାଇଲାଇଟ୍ କହିଦେବି ଛୁଆମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଯଦି କହିଦେବି ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ତୁମର ଏହା ତୁମ ତ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରୋଟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ଅଟେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଳିତ ହୋଇଥିବ ତୁମର ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ଏଚ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏ ତୁମର ହେଟା ହେଲା କ'ଣ ଏନ୍ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଟୁ ଆଉ ଏଫ୍ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଟୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଏ ଟି ପି ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଜାୟିତ ସହଜାରକ ଏଫ୍ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଟୁ ଆଉ ଏନ୍ ଏ ଡି ଏଚ୍ ଟୁ ହେଲା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆସେ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ କ'ଣ ହେବ କୋଷରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି ଜମା ରହିଛି ତା ସହିତ ମିଶିକି ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଧିକା ଗତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଜମା ହୋଇଯିବ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏ ଟି ପି ସିନ୍ଥେସ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ଟି ପି ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ ଏହା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସାଧା ଅଛି ମନ ଦେଇ ବୁଝିଲେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଆଉ ଅପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଇଏ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଆସେ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଆସେ ମାନେ ବହୁତ ଆସେ ଏହାକୁ ଛୁଆମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସାଇନ୍ସରେ ସାଧା ହୋଇଯିବ ଯଦି ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବ କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ଅନୁମାନ କରି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଆଉ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଅପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଅପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ବୁଝାଇଛି। ଏବେ ଏହାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ କୁହାଇଲା ମାନେ ଇଏ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶର୍କରାର କ'ଣ ବିଛା ମାନେ ଦହନ ହୁଏ କି 38 ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ପଡ଼ିବା ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କାହିଁକି ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନାଇଁ ବାୟୁ ଅପଯୋଗୀ ଶୋଷଣ ଅପଯୋଗୀ ଶୋଷଣର ପଏଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଏ ନାହିଁ ଯଦି ଇଏ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଏ ଉପଯୋଗୀ ତାହେଲେ ଅପଯୋଗୀ ନେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କେତେ ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ 38 ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏଥିରେ ତୁମର 2 ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ସୁରାସରୀୟ କିରଣ କୁହ ବା ଲାକ୍ଟିକମ୍ଳ କିରଣ କୁହ ତାହେଲେ ଏଥିରେ 38 ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲାବେଳେ 38 ଏଠାରେ 2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଥାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏଥିରେ ଇଥାନଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁରାସାର ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା ସୁରାସାର ଇଥାନଲ ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସୁରାସାର କିରଣରେ ସୁରାସାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା ନା ଇଥାନଲ ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିରଣରେ ଲାକ୍ଟିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆଉ ଇଥାନଲ ହୁଏ ତୁମର ସୁରାସର କିରଣରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲାବେଳେ ଏଠାରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ କେବଳ ତୁମର ସୁରାସର କିରଣରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ଉପଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ କାହିଁକି ଅମ୍ଳଜାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ମିଳିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାରିତ ହୁଏ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ
ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରଣ ହୁଏ। ଆରାମସେ ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖି ପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଆଇବି ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ତ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ସେଚନ ଅପଯୋଗୀ ସେଚନ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଦେଲି।